फर्ज करें कि कोई प्लेयर लगातार सेंचुरी डबल सेंचुरी बना रहा हो, या फिर कोई बॉलर फाइफर या अकेले अपने दम पर पूरे 10 विकेट उखाड़ रहा हो, शानदार खेल रहा हो, लेकिन अगर इसके बावजूद वो फिट नहीं है तो इंडियन क्रिकेट टीम में भी उसकी कोई जगह नहीं बनेगी, उसे सेलेक्ट ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब टीम इंडिया में फिट बैठने के लिए फिट रहना जरूरी है। बीसीसीआई योयो टेस्ट वापस लेकर आ रहा है। क्या है ये योयो टेस्ट, क्यों इसे दोबारा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और क्या वाकई टैलेंट को दरकिनार कर चयन का पैमाना सिर्फ फिटनेस होना चाहिए, सब कुछ जानेंगे आज। नमस्ते, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन, मैं हूं आपके साथ अंशुल तलमले, और चलिए शुरू करते हैं। योयो टेस्ट होता कैसे है ये जानने से पहले ये है क्या ये समझते हैं। क्रिकेट से पहले इसकी शुरुआत फुटबॉल फील्ड पर हुई। डेनमार्क के फुटबॉल फिजियोलॉजिस्ट हैं जेम्स बेंगोस्पा, इन्होंने इसे डेवलप किया। क्रिकेटिंग वर्ल्ड में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने इसे फॉलो किया, जिसका एकमात्र मकसद खिलाड़ियों के फिटनेस लेवल को खेल के बराबर लाना है। योयो टेस्ट सिलेक्शन के लिए अच्छा है या बुरा है, इस पर जाने से पहले ये जान लीजिए कि ये टेस्ट बहुत टफ होता है। ये टेस्ट पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी बेस्ड है, सॉफ्टवेयर से नतीजे रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिससे प्लेयर्स के फिटनेस और स्टैमिना के बारे में पता चलता है कि वो खिलाड़ी कितना फिट है। इस टेस्ट में 23 लेवल होते हैं, लेकिन प्लेयर्स 5वें लेवल से अपनी शुरुआत करते हैं। इस टेस्ट में कोन्स की मदद ली जाती है, खिलाड़ी को एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ना होता है, और इनके बीच की जो दूरी होती है वो 20 मीटर होती है, यहाँ से फिर वापस जाना होता है। बीच में रिकवरी टाइम मिलता है, प्लेयर्स को ग्रेस टाइम भी दिया जाता है। जैसे जैसे लेवल बढ़ता है टाइम कम मिलता है, यानी डिफिकल्टी बढ़ती जाती है। भारत में टेस्ट पास करने के लिए मिनिमम 16.5 यानी 16.5 स्कोर लाना होता है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पासिंग मार्क 19 है। अब वीडियो की आखिरी में सबसे अहम बात कि क्या टैलेंट की बजाय सिर्फ फिटनेस ही सिलेक्शन का पैमाना हो, इसे टटोलने से पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि क्रिकेट में फिटनेस दो टाइप की होती है। पहली ये कि कोई प्लेयर खुद को कैसे ट्रेन कर रहा है, ग्राउंड के कितने चक्कर लगा रहा है, कितनी अलग अलग एक्सरसाइजेस कर रहा है, और दूसरी क्रिकेट फिटनेस, जो नेट्स पर घंटों बैटिंग या बॉलिंग करने के बाद आती है। आज तो हर प्लेयर के पास सिक्स पैक एप्स है, लेकिन 70s, 80s, इनफैक्ट 90s में चीजें थोड़ी सी अलग थी। तब नॉर्थ के प्लेयर्स दौड़ने भागने में तेज थे, तो मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर वाले नेट्स पर वक्त गुजारते थे। द ग्रेट सुनील गावस्कर ने अपना एक पुराना किस्सा शेयर करते हुए बताया कि वो स्कूली दिनों से शिन स्प्लिंट से परेशान है, यानी मैदान के चक्कर लगाने के दौरान उनकी पिंडलियों की मांसपेशियों में दर्द उठता है, वो ज्यादा देर तक दौड़ नहीं पाते। जब टीम मैनेजर ने उन्हें बाकियों की तरह दौड़ने के लिए कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर मैदान के चक्कर लगाना ही प्लेइंग 11 में खेलने का पैमाना है तो प्लीज मुझे बाहर कर दो, अगर मैं मैदान पर थककर आउट होता हूं तो मेरी फिटनेस पर सवाल उठने चाहिए। सवाल इस वजह से नहीं उठने चाहिए कि मैं मैदान में चक्कर नहीं लगा पाया,